चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस लक्की की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के सभी 6 नगर पार्षदों की एक बैठक कल मेयर चुनाव के दौरान आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने और तय करने के लिए आज यहां आयोजित की गई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भाजपा और आप दोनों शहर के निवासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे और दोनों ही कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लायक नहीं है। यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों ने शहर के मेयर के चुनाव के लिए कल के चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त का प्रयास कर चंडीगढ़ के स्वच्छ चुनावी माहौल को खराब कर दिया है। चंडीगढ़ कांग्रेस ने फैसला किया है कि कल जो मेयर का चुनाव हो रहा है उसमें हम वोट डालने नहीं जाएंगे। मैंने सभी 6 के 6 पार्षदों के साथ मीटिंग की है और हम सभी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि हम आम आदमी पार्टी और भाजपा से समान दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां ही कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं और कांग्रेस दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ती है। ऐसे में इन दोनों पार्टियों का कांग्रेस से उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। हमें चंडीगढ़ की जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए कहा है और वोट भी विपक्ष के लिए दिया है। हम विपक्ष में ही बैठेंगे और चंडीगढ़ की जनता के जो मुद्दे हैं उसको पुरजोर उठाते रहेंगे, चाहे वो सड़क पे हो या सदन। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।